तो हम यहाँ पर अब पूरा जो एरिया पहले बताया हमें आम आदमी पार्टी ने जो थे भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ भी कोई माहौल है कि दो लोग बैठे हैं चार बैठे हैं उनके दो बैठे हैं। अब हम इनसे बात करेंगे ये कारण क्या है। पहले आपका नाम क्या है तो आप भारतीय जनता पार्टी तो आप भारतीय जनता पार्टी से अभी जुड़े हो? नहीं नहीं हम पहले। हाँ तो अगर पहले से भी आपसे खुशी पूछूंगा जो महारानी फणीपुर पहले कांग्रेस से लड़ने लगे तो अब इमीडिएटली वो उसमें आ गए किरण यादव जी। आप कहाँ से? अब यूपी से बिलोंग करते पहले कौन सी जगह? बनारस से। बनारस से देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे लगी कि जहाँ से मोदी जी का भी इलेक्शन है तो वहाँ के मोदी जी के यानी कहते लोकसभा क्षेत्र से चाहे रहते हो आप यहाँ पर खादी यहाँ भी लग चुकी है तो आप ये चाहिए कि बनारस की तरह यहाँ भी कुछ कमल खिलेगा कुछ चेंज लग रहा है जी। वही जोश है जो यूपी में है योगी जी का। कोई फर्क लगा योगी जी के मैनेजमेंट यहाँ के मैनेजमेंट? जैसे आपको पता कि प्रकाश टीवी से लगी हुई है लोकसभा पटियाला के अंदर और अब हम यहाँ पर खड़े हैं बिशनपुरा है और बिशनपुरा में हम यहाँ पर खड़े हैं आम आदमी बूथ के अंदर बसपा के। क्या नाम आपने तो क्या आ जाता हूँ? हाँ जी तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल जी रश तो दिख नहीं रहा, ये रश ना होने का कारण ये है कि लोग उदासीन हैं कि गर्मी ज्यादा है? गर्मी ज्यादा है और लोगों का रुझान मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं धीरे धीरे। सुबह का तो काफी अच्छा रश रहा है, सुबह अच्छा काफी अच्छी हाँ। हाँ। काफी अच्छी वोटिंग हुई है। आपका नाम? मेरा नवनीत है। नवनीत जी आप पार्टी में? हाँ जी हाँ जी, बस हम वर्कर हैं जी, आम आदमी पार्टी के आम बंदे आम बंदे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है कि कितनी वोटिंग होगी यहाँ पर? अभी हाल ही वो कम से कम ज़्यादा ज़्यादा 30-40% हो चुकी है। तो शाम तक क्या लगता है हो जाएगा? यानी 80% से लगा के चलो 70-80% एक्चुअली भी जो कॉलोनीज के लोग हैं ना जी वो काफ़ी आ रहे हैं सराउंडिंग। अच्छा जो सराउंडिंग। अच्छा आपके सराउंडिंग एरिया कौन कौन से हैं यहाँ पर? सराउंडिंग एरिया हो गया है अपना लाजपत नगर हो गया, अमोलक हो गया, चंडीगढ़ एनक्लेव हो गया है और अपना ये पंचशील एनक्लेव हो गया है, अमोलक हो गया है और अल्पाइन काफी काफी मतलब काफी यहाँ का है यानी। हाँ बिल्कुल। तो लगता है शाम को आपका हो गया? अच्छा जो लोग आपको जैसे हाँ जैसे आपको पता है कि इस वक्त जो लोकसभा क्षेत्र पटियाला में हम खड़े हैं लोहगढ़ में और यहाँ पर एनके शर्मा जी का एक दबदबा है इस एरिया में तो हमारे बीच उनके ब्रदर हमारे बीच में खड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो इस बार क्या लगता है आपको? नहीं नहीं फुल वोटा पै रही है सारे जीरकोट च बड़ा वधिया है घट तो घट 80-85% अकाली दल वोट पा रही शर्मा जी ने वोट पा रही है। उन्होंने इस एरिए विकास बड़ा कराया टोटल जीरकपुर जिनी रोड सड़क सीवरेज जो सीवरेज के प्लाट लगे जो जो काम होए वो शर्मा जी के टाइम होए मुड़ के कोई काम नहीं होया ना कदे आम वाले ने किया ना कोई कांग्रेस वाले ने करया। तो मैंने एक गल दसी जिस तरह आपको पता है कि पिछली बार जो इलेक्शन से विधायक का तो विधायक का एरिया घट हों हूँ एम पी एरिया बहुत ज़्यादा है तो उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत हुई है? नहीं नहीं कोई मैनेजमेंट नहीं साड़ियाँ टीम हैंगे साढ़े हलका इंचार्ज हैंगे हर हलका इंचार्ज पूरा जोर ला रहा पिंडों से पूरा जोर हैगा अकाली दल का अकाली दल 100% जीतूंगे। जैसे पिछली बार सेगा कि बीजेपी ना गठबंधन सेगा तो गठबंधन इस बार है नहीं तो थोड़ा लगता कि थोड़ा जहा होया होगा? नहीं नहीं है फायदा होया कि नुकसान होया? नहीं नहीं पिंडा च फायदा होया सानू वोट वधी है पिंडा च जिनी अकाली दल की वोट थी वो डबल वोट पै रही है पिंडा च जिहड़ी वोट सारी आम च गई थी वो वापस आ गई आम 2.5 साल च फैल हो गई कोई काम नहीं कर सके कोई काम इन्होंने नहीं कर पूरे पंजाब च। तो हुण तुसीं भी बूथ में जाके आए होंगे राउंड करा के कितने एरिया जाके आए हो? असीं सारे जीरकपुर च घूमे आ पूरा रस हैगा सारे बूथां ते जो पिंड है छत हो गया जिवें अगे हो गया भवात हो गया अपना हो गया दयालपुरा हो गया नाब छत नाबा दयालपुरा सारा पूरा रस हैगा लोगों का पूरा उत्साह हैगा शर्मा जी नूं जिताउण वास्ते बहुत वधिया चल रहा हैगा टोटल सारे जीरकपुर च।
तो आपने देखा होगा भेषा, हमें देखते हैं शर्मा जी का इलेक्शन होता है जहाँ पर इनका कोई अपना नाम नहीं है, इनका कोई अपना नाम नहीं है, हर इंसान एनके शर्मा बन के इलेक्शन लड़ता है। एक ये टीम है और इस टीम के कारण ही शर्मा जी की एक व्यक्तिगत छवि है, जो वो छवि को भेदना एक अमेर दुर्ग को भेदने जैसा हर इंसान के लिए चैलेंज होता है। तो अब आप ये बताइए कि वो जो पुराने वाला इतिहास फिर दोहराया जाएगा? हाँ हाँ, 100% दोहराया जाएगा। तुम देखो जेडे साडे मुकाबले खड़े हैं वो चार चार पार्टियां बदल के खड़े हैं। महाराणी प्रनीत कौर पहला कांग्रेस थी, हूँ बीजेपी है। पहला जेड़ा कांग्रेस तो आम चिता, आम तो बाद आजाद हो गया, आजाद तो बाद नरेंद्र शर्मा वहां का वहां खड़ा नहीं, वो तो 32 साल तो हो गए इक्के पार्टी च काम कर रहे हैं। इसका नेचुरली फायदा होगा, वोटर होगा। हम लोग देखते नहीं भी दल बदले उन्होंने वोट थोड़ी पाते हैं, लोग वोट न पाते हैं भी जेड़ा बंदा एक जगह खड़ा उसी पाते लोग। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? बस यही है जी, यही है साडा तो आई सी भी जे कुदरती साडा मेलजोल हो जाता बीजेपी के नाल फिर सानू पिंडा चो बहुत दिक्कत आती। अच्छा, दिक्कत आती जी पिंडा चो, पिंडा वाले कित्थे जी, कितने बूथ ही नहीं लगे गए बीजेपी के, असी पिंडा च जाके आए हैं हुण, कितने बूथ ही नहीं लगे बीजेपी के। तुसीं देखो बीजेपी नूं कोई पिंडा च बड़न दिंदा? सारे कितने देखो, तुसीं पिंडा च देखो, शहरां च तां आपां मंनदे हैं, पिंडा च बीजेपी नूं किवें भजा भजा के मूहरे मूहरे बीजेपी हुंदी है, पिछे पिछे किसान हुंदे ने। जे असीं समझौता कर लांदे तां किसानां ने साडे नाल थोड़ी रहना सी, यानी समझौता ना होने के कारण फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। किसान हुण साडे नाल ने, असीं टोटली पिंडा च जाके आए हैं, डेरा बस्सी दे सारे इलाके च जाके आए हैं, कितने कोई बूथ नहीं लग्या। जे कितने कोई लग्या बैठा है, कोई दो कुर्सियां डाही बैठा है, ठीक है। हाँ, शहरां च बीजेपी का हैगा आपां मानते हैं, लेकिन पिंडा दे विच सानूं नुकसान हुंदा, क्योंकि असीं तां फिर सारे पासे ही जांदे, असी शहरी वोट तो भी जांदे, असी पेंडू वोट तो भी जांदे। अच्छा, एक बात पूछनी है, जैसे चुनाव आयोग भी चिंतित है अजकल, वोटिंग परसेंटेज नहीं उतनी आगे बढ़ रही, यहाँ भी गर्मी हो रही है, जो वोटें अपनी घरों में है उनको निकालने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? नहीं नहीं, गड्डियां वगैरह लगाई भी हैं जी, लोगों को लेके आ रहे हैं, पानी का इंतजाम कराया हुआ, खाने का इंतजाम कराया हुआ। वो तो शर्मा जी का इलेक्शन में हमेशा ही होता है, पहले पहले इलेक्शनों से इस इलेक्शन में क्या डिफरेंट लग रहा है? नहीं नहीं, पूरा अरेंजमेंट हैगा लोगों का, पुराने वाला ही, जो शर्मा फार्म में होता था। हाँ, सारा चल रहा है, बढ़िया अरेंजमेंट है, सारी कोई प्रॉब्लम नहीं किसी हैगी, पर गर्मी करके थोड़ा लोग नहीं, फर्क पड़ता है ना, फर्क देखो, ये देखो सब कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं। तुसी जाओ बूथां ते। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण वर्मा, बजरंगी कहंदे ने जी मैनूं। हां, तो देखिए जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, आज गर्मी के अंदर भी हमारे बुजुर्ग लोग घरों से निकल के आ रहे हैं, हम चाहते हैं नौजवान भी आए। आपको कैसा लगा वोट डालकर? बहुत बढ़िया जी, आर बहसाडा हक है पाना वोट। आपने अपना हक अदा कर दिया, अब जो घरों में लोग बैठे उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं आ रहे, वो भी सब कोई आगे आ रहा, कोई पीछे आ रहा, सब आ रहे। आप भी अपील करोगे कुछ उनको, जो इसके अलावा और लोग देख रहे हैं पंजाब के अंदर हमारे? वोट पाना जरूरी है जी, वोट पाना बहुत जरूरी है।